मिला ना प्यार जिसे माँ का उम्र भर। हेलो फ्रेंड नमस्ते, मैं हूँ चंदन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बिहार बोर्ड का जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है मैथ या किसी भी एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है गणित, उसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं जो कि अपना सब्जेक्ट साइंस ले रखे हैं, उनका एक सब्जेक्ट मैथ भी होता है और आपको पता होगा कि मैथ का एग्ज़ाम में कितना अहम रोल होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम आज आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है मैथ के बारे में उस पर बात कर लेते हैं। मैं इस मॉडल पेपर के बारे में आपसे आगे बात करूं, इससे पहले कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो आ जाते हैं हम अपने इम्पोर्टेंस पॉइंट पे। देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि मैथ का एग्ज़ाम में कितना अहम रोल होता है, तो इसको देखते हुए हमने आप लोगों के लिए मैथ का 5 सॉल्व पेपर का सेट बना दिया है। देखिए आप देख पा रहे होंगे सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5। ये मॉडल पेपर जो है फुल्ली सॉल्व है, इसका मैंने आपके लिए प्रीव्यू छोड़ दिया है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप ये सेट देख पा रहे होंगे, ये देखिए इस सेट के अंदर में जिस हिसाब से आपका बिल्कुल नया सिलेबस न्यू सिलेबस को ऐड किया गया है और इसमें जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं और साथ साथ उसके उत्तर भी दिए गए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका कुछ इस हिसाब से पेपर होना है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे और आपके इस तरह से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो इसका कौन सा सही उत्तर है कौन सा गलत उत्तर है बिल्कुल डेफिनेशन के साथ हमने पेज के आखिरी में रखा हुआ है। जैसे आपको दिखा देता हूँ, उससे पहले आप ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख पा रहे होंगे, टोटल जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं आपके उनकी संख्या 50 होने वाली, उनका आप लिस्ट देख पा रहे हैं। तो आप इस तरह से 50 के बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनका डिटेल्स है, जिनके लिए आपको एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं। तो आप आगे देख लीजिए, ये प्रश्न देख लीजिए 2-2 मार्क्स वाले। तो आप ऐसे नीचे आ जाते हैं, उसके बाद आपके जो लॉन्ग प्रश्न होते हैं उनकी भी संख्या दी और इन अब देखिए ये आपका सॉल्यूशन है, जो आपने ऊपर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे थे उसका सॉल्यूशन है। और उसके बाद आपको आखिर ये सॉल्यूशन कैसे सॉल्व हुआ, आखिर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे या सब्जेक्टिव थे उनका सॉल्यूशन भी दिया गया है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस तरह से हमने आपके लिए 5 सेट जो है वो वेबसाइट पे अपने अपलोड करके रखा हुआ है। ये काफ़ी आप लोग के एग्जाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एग्जाम देने से पहले आप इन सेट को जरूर देख लें, ये सारे 5 के 5 सेट। तो अब आप सोच पा रहे होंगे इसे आप डाउनलोड कैसे करेंगे, तो आप घबराइएगा नहीं, मैं इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। कई सारे नए मित्र हैं उनको ये नहीं पता कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, तो उनके गाइडेंस के लिए मैं देता हूँ। देखिए आप इस तरह से हमारा वीडियो भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ठीक आप वीडियो के नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिएगा ये जो एरो बन रहा है यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन आगे ओपन होगा। फिर ये जो ब्लू कलर का लिंक देख रहे हैं इस पे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद ही आप हमारे वेबसाइट पे आ जाएंगे और वहां से आप इन सारे सेट को डाउनलोड कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो कारगर सिद्ध होगा, लाभदायक होगा एग्जाम के लिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार, और आप लोगों से अनुरोध करूंगा जो जिनका पेपर ना भी हो रहा हो तो वो ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के लिए शेयर करें ताकि उनके काम आ सके। तो आज के लिए इतना ही, मैं चंदन कुमार, शुभ रात्रि।